Growing up in Cali, yeah, you know I love the weather. Limelight, hit 'em, and you know I handle pressure. बहुत ही अच्छी जगह है। बदलते टाइम के साथ हमें भी अपग्रेड होना चाहिए। एंड अभी जो जमाना चल रहा है वो ईवी का चल रहा है। आज है मेरे पास एक नया ईवी, बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, इसके कलर्स के बारे में। तो ये जो मॉडल आप सब देख रहे हैं ये आपका ग्रेसी प्रो, जो कि आपका ज़ेलियो कंपनी की तरफ से है। तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू उत्कल ईवी। अगर आपको भी ज़ेलियो का कोई भी प्रोडक्ट देखना हो या फिर उसके रिलेटेड ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाके कॉन्टैक्ट करके बहुत से मदद ले सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। I do what I want, so I'm never saying never. I get what I want, so they call me go-getter. Yeah, I know he does it good, but you know I do it better. So misunderstood, if she want it, then I let her. Everybody knows, if I want her, then I get her. She gave me that look, yeah, she knows she thinks I'm clever. I don't think I do it good, no, I think I do it great. They would do it if they... So guys, meet the all-new Gracie Pro, जो कि ज़ेलियो कंपनी की तरफ से। ये एक इंडिया बेस्ड कंपनी है एंड इसका जो प्लांट है वो हरियाणा के हिसार सिटी में है। प्राइस की रिगार्डिंग बात करने से पहले मैं आपको वेरिएंट्स की रिगार्डिंग थोड़ा सा इन्फो देना चाहूँगा। तो मार्केट में इस वक्त दो वेरिएंट अवेलेबल हैं जो कि बैटरी में होता है। एक है आपका लीड एसिड, दूसरा आपका लिथियम आयन। एंड उस वाइज आपका जो प्राइस है वो 70,000 से स्टार्ट हो रहा है, गोज ऑल द वे अप 96,000। कलर ऑप्शन की रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो मार्केट में इसका 6 कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप शोरूम विजिट करके अपना कलर चूज़ कर सकते हैं। सो इसका की एक बार देख लीजिए। तो इसमें आपको दो की एंड दो रिमोट मिल रहा है। अभी एक की घर पे है एंड एक रिमोट भी। सो ये रहा इसका की एंड ये रहा इसका रिमोट। रिमोट के बारे में हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले और एक चीज़ देख लीजिए। सो इसमें आपको बहुत ही खूबसूरत की रिंग मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़ेलियो लिखा गया है। फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक, ये भी बहुत ही मस्त है। ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये आपका अनलॉक का बटन है एंड नीचे ये रहा आपका लॉक का बटन। एंड सेंटर में आप देख सकते हैं आपको पावर का सिंबल दिखाई दे रहा है। इसे डबल टैप करने से स्कूटर आपका स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 स्कूटर आपका स्टार्ट हो जाएगा, इसे हम कीलेस एंट्री बोलते हैं। हेडलाइट सेक्शन में आपको एलईडी सेटअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं ज़ेलियो का ब्रांडिंग है जो कि क्रोम फिनिश में है एंड यहाँ पर स्टिकर है ग्रेसी प्रो का। ब्लिंकर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको नॉर्मल हेलोजन बॉल देखने को मिल जाते हैं। सो ये जो बॉडी आप देख रहे हैं ये आपका ABS बॉडी है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाते हैं एंड फ्रंट में आपको 10 इंच के अलॉयज मिल रहे हैं विथ डायमंड कट फिनिश। फ्रंट में ये जो टायर देख रहे हैं ये आपका ट्यूबलेस टायर है जो कि अपोलो कंपनी की तरफ से। अगर इसके साइज की रेट में बात करूँ जो कि 90/100 का है। ऑल्सो फ्रंट में आपको डिस्क मिल रहा है जो कि उस तरफ से मैं आप सभी को एक बार दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये रहा फ्रंट में इसका डिस्क एंड ये इसका डिस्क ब्रेक कैलिपर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर आपको फुल्ली डिजिटल सेटअप देखने को मिल जाएगा। स्कूटर अभी पार्किंग मोड में है एंड इस स्कूटर में आपको टोटल 3 मोड्स मिल रहे हैं। मोड वाइज आपका स्पीड एंड माइलेज वेरी करता है। एक और चीज़ मैं आप सभी शेयर कर देना चाहता हूँ। सो इसमें आपको लीड एसिड एंड लिथियम आयन दोनों का ऑप्शन मिल रहा है। सो लीड एसिड में जो माइलेज रहता है वो 70 के आसपास रहता है एंड लिथियम आयन में जो माइलेज रहता है वो 100 के आसपास रहता है अगर आप इको मोड में ड्राइव करते हैं तो। सो ये रहा आपका बैटरी इंडिकेटर। यहाँ नीचे आपको ओडोमीटर देखने को मिल जाएगा। स्विच सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये सब स्विच सेक्शन के बारे में आप सभी को पता होगा। हेड डिपर इंडिकेटर एंड यहाँ पर ये रहा हॉर्न का स्विच एंड इस साइड में ये रहा आपका पार्किंग का स्विच। तो जैसे आप वहाँ पर क्लिक करते हैं स्कूटर आपका ड्राइव मोड में आ जाता है। तो अभी मैं इसे फिर से पार्किंग मोड पर ले आता हूँ जो कि फिर से पार्किंग मोड में आ गया है। एंड ये रहा आपका हैजार्ड का स्विच, उसी के नीचे आपको रिवर्स का स्विच मिल रहा है एंड ड्राइव का स्विच मिल रहा है इस साइड में। सो ये रहा आपका लाइट का ऑन ऑफ का स्विच। यहाँ नीचे आपको USB चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा। इस स्कूटर में आपको क्रूज कंट्रोल मिल रहा है। सो जो मोड है, क्योंकि 3 मोड्स के बारे में ऑलरेडी मैं आप सभी शेयर कर चुका हूँ, सो मोड यहाँ से आप शिफ्ट कर सकते हैं। सो ये रहा आपका इग्निशन की एरिया एंड उसके बाजू में यहाँ पे आपको सामान कैरी करने के लिए एक छोटा सा हुक मिल रहा है। नीचे आपको एक स्टोरेज पॉकेट मिल रहा है जो कि यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, ऐसे खुल जाएगा। तो मेरी माने आप यहाँ पे पावर बैंक या फिर अपना मोबाइल कैरी कर सकते हैं इजीली। ये रहा इसका चार्जिंग सॉकेट। तो इसका चार्जर भी मैं आप सभी को एक बार दिखा दे रहा हूँ। सो ये रहा इसका चार्जर एंड इसका जो मैक्सिमम चार्जिंग टाइम है वो 4 to 5 आवर के आसपास ही है। बैटरी वाइज आपका चार्जिंग टाइम वैरी करता है। सो इसका जो लेग रूम का कंफर्ट है वो हम राइड के दौरान शेयर करने वाले हैं। स्कूटर में आपको स्प्लिट सीट मिल रहा है। सो बॉडी पैनल के ऊपर आपको ज़ेलियो का स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल का नेम है ग्रेसी प्रो। सो अभी थोड़ा सा वारंटी के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। सो लीड एसिड एंड लिथियम आयन, लिथियम आयन में आपको 3 ईयर्स का वारंटी मिल रहा है, लीड एसिड में आपको 1 ईयर का वारंटी मिल रहा है। एंड रियर में ये जो मोटर आप देख रहे हैं ये आपका BLDC मोटर है जो कि कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है एंड इसमें आपको 2 साल का वारंटी मिल रहा है। अदर आइटम्स के ऊपर आपको 1 ईयर का वारंटी मिल रहा है। रियर में आपको स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा जो कि बोथ साइड में अवेलेबल है एंड रियर में ये जो टायर आप देख रहे हैं ये भी आपका अपोलो की तरफ से है जो कि ट्यूबलेस टायर है।
अगर इसके साइज़ के रेट में बात करूँ जो कि 90/100 का है, एंड ये जो स्विंग आर्म कवर आप देख रहे हैं ये भी बोथ साइड में है। स्कूटर में आपको साइड स्टैंड भी मिल रहा है, ऑल्सो सेंटर स्टैंड भी मिल रहा है। टेल लाइट पर आपको फुली एलईडी सेटअप देखने को मिल जाएगा विथ क्रोम गार्निश फिनिश, जो कि यहाँ पे बॉर्डर में है, आपको बहुत ही पसंद आएगा। एंड ब्लिंकर्स एज यूजुअल आपके हैलोजन वाले हैं, एंड यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर है। यहाँ पीछे आपको जीलियो का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा, ये एक नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी है। तो अभी मैं आप सभी को इसका अंडर से स्टोरेज एक बार दिखा दे रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का है, हाफ फेस हेलमेट इसमें आसानी से आ जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जर है, ये रहा इसका MCB। तो ये जो कंट्रोलर आप देख रहे हैं ये आपका जीलियो कंपनी तरफ से है, एंड जीलियो कंपनी तरफ से आपको एक छोटा सा तोहफा मिल रहा है, मतलब एक छोटा सा हेलमेट जो कि बहुत ही क्यूट है। सो उत्कल ईवी का 1 ईयर एनिवर्सरी है, सो आपको 11,700 तक का ऑफर मिल रहा है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, GPS इंक्लूड है, स्टील गार्ड इंक्लूड है, लेडीज फुट रेस्ट, हेलमेट, एंड ऑलमोस्ट कैश डिस्काउंट भी 3,000 तक का है। हरी अप लिमिटेड पीरियड ऑफर। जेंटलमैन लेट्स स्टार्ट द मोटर। तो अभी मैं आप सभी को कीलेस एंट्री करके दिखाने वाला हूँ। ये रहा मेरे पास की, एंड रिमोट से मुझे बस 2 बार टैप करना है, 1, 2। स्कूटर मेरा स्टार्ट हो गया लेकिन अभी भी वो पार्किंग मोड में दिखाएगा। सो चाबी आपके सामने है, मैं इसे पॉकेट में रख रहा हूँ, एंड मेरे पीछे पिलियन है। सो चलिए, यहाँ से मैंने पार्किंग मोड से हटा लिया हुआ है। सो चलिए अब इसका इनिशियल पिकअप चेक कर लेते हैं। तो इनिशियल पिकअप की बात करें बहुत ही डिसेंट सी, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा, एंड मोड वाइज आपका स्पीड वेरी करेगा। स्कूटर अभी फर्स्ट मोड में ही है, एंड मैंने आप सभी का शेयर किया हुआ था स्कूटर में आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है CCS क्रूज कंट्रोल। तो यहाँ पे मैं थ्रॉटल दे के क्रूज कंट्रोल पे एक बार क्लिक कर दूंगा तो ये सेट हो गया। अभी मुझे थ्रॉटल देने की ज़रूरत नहीं है, स्कूटर अपने आप ही चलेगा, लेकिन अगर गड्ढे वगैरह या फिर रंबल्स आ गए स्लो करना पड़ेगा। सो अभी स्कूटर आपका नॉर्मल स्पीड में आ जाएगा क्योंकि अभी आपका क्रूज कंट्रोल हट चुका है। सो सस्पेंशन की रिगार्डिंग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी देखिए रंबल आ गया, क्वाइट डिसेंट है, एंड फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिल रहा है, रियर में आपको डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन मिल रहा है। तो सस्पेंशन का जो रिस्पॉन्स है वो ऑलमोस्ट ओके है, यहाँ पर खराब रोड पर भी। टर्न्स में आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप बहुत ईजी लगेगा टर्न्स में, एंड हैंडल जो है ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, ज़्यादा वाइड नहीं है, आप सभी को पसंद आएगा। लेग स्पेस की अगर हम बात करें तो बहुत ही डिसेंट है, एंड फुटरेस्ट का जो पोजीशन है आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्न लेने पे यहाँ घुटना यहाँ पे आपका नहीं लगने वाला है। एंड रहते बहुत सारे वीडियोस पे कि लाइटिंग कैसा क्या है वो भी हम चेक करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद। एंड ऐसा रोड पर स्कूटर एकदम मक्खन की तरह चल रही है। तो अभी चलिए थोड़ा सा ब्रेकिंग टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं रियर ब्रेक का बाइक चेक करूंगा, उसके बाद फ्रंट का ब्रेक, एंड उसके बाद ओवरऑल स्टॉपिंग पावर। क्वाइट गुड, एंड रिस्पॉन्स टाइम भी ओके है। फ्रंट का ब्रेक एक बार देख लेते हैं, वो सो फ्रंट ब्रेक का जो बाइट है, जो पावर है, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। अभी थोड़ा और आगे चल के ओवर स्टॉपिंग पावर एक बार देख लेते हैं। ओके, वो सो स्कूटर एकदम रुक गया, ओवर स्टॉपिंग पावर से आप इम्प्रेस होने वाले हैं, ये चीज़ आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता रहता है मेरे ही वीडियोस पे कि भाई रात के टाइम गाड़ी को चलाओ, लाइट का विजिबिलिटी कैसा गया, क्योंकि एलईडी लाइट तो बोल देते हो लेकिन विजिबिलिटी थोड़ा सा दिखा दो। तो अभी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा अंधेरा है, एंड मैं अभी लाइट ऑन करने वाला हूँ, एंड थोड़ा सा ड्राइव करके भी आप देख सकते हैं कि कितना क्या लाइटिंग है। और मैं पहले इंडिकेटर बंद कर दे रहा हूँ, और अभी मैंने लाइट को ऑन कर दिया हुआ है। सो विजिबिलिटी आप सभी के सामने ही है, एंड मेरे को नहीं पता कि कैमरा कितना कैप्चर करेगा, क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं अभी तो नहीं देख सकता हूँ। हम बात कर रहे थे गाड़ी के कम्फर्ट के रिगार्डिंग, सीट इसका नाइस एंड सॉफ्ट है, कुशन पर बहुत सारा काम किया गया है, थोटा का रिस्पॉन्स एज यूजल ओके है, एंड बस एक चीज़ की कमी मुझे लगी, जैसे मेरे पीछे पिलियन बैठा हुआ है तो वो खुद ही बोल रहा है कि इसका कोई बैकरेस्ट नहीं है, थोड़ा सा डर है। सो इसके रिगार्डिंग मैं कंपनी से बात करूंगा कि रियर मतलब पीछे एक ठो बैकरेस्ट होना चाहिए, और कंपनी उसके ऊपर भी काम कर सकता है।
सो क्रूज कंट्रोल का क्या काम है मैं आप सभी को एक बार दिखा दे रहा हूँ। मैंने थ्रॉटल पे हाथ रखा हुआ है, क्रूज कंट्रोल पे मैंने क्लिक किया, अभी मैं थ्रॉटल से हाथ हटा ही दे रहा हूँ, गाड़ी अपने आप ही चल रही है। सो ये वाला जो क्रूज कंट्रोल का फीचर है आप सभी को कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अभी थोड़ा सा अंधेरा बढ़ गया है एंड ये जो एरिया है यहाँ पे भी ठंड बढ़ गई है, बहुत ठंड लग रही है। और बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आप सभी से शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी कि कैसा क्या है, गाड़ी को आप कैसे क्या ले सकते हैं एंड क्या क्या ऑफ़र उत्कल एवी की तरफ से अवेलेबल हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें। सो सारी चीज़ों को आप चेकआउट करके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिलेगा आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके और भी इसके रिगार्डिंग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें चेक की हुई है, मतलब जैसे देखो यार ब्रेकिंग ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, रियर ब्रेक का बाइट फ्रंट ब्रेक का बाइट डिफरेंट है क्योंकि रियर में आपको ड्रम वेरिएंट का ब्रेकिंग सिस्टम मिला है लेकिन फ्रंट में आपको डिस्क मिल रहा है। सो फ्रंट का जो बाइट है वो क्विक एंड क्रिस्प है एंड रियर में ठीक ठाक बोल सकते हैं। ओवर स्टॉपिंग पावर से आप खुद भी इंप्रेस होने वाले हैं क्योंकि मैं मेरे बोलने से क्या होता है आप जब खुद ही ट्राई करेंगे आप सभी को पता चल जाएगा इसके बारे में। सो लोगों बहुत सारा कंप्लेन रहता है प्राइस के रिगार्डिंग, तो यार अकॉर्डिंग टू प्राइस गाड़ी बनाए जाते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैं ज़्यादा कोई भी डिस्कशन करना नहीं चाहता हूँ। बहुत से लोगों को ये चीज़ें पसंद आती है, बहुत सारी चीज़ों लोगों को पसंद नहीं आती है। सो ये अपना अपना पर्सनल ओपिनियन रहता है। सो इसके रिगार्डिंग मैं कोई भी यहाँ पे कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। ऑलरेडी मैं आप सभी के साथ शेयर कर चुका हूँ इस स्कूटर में आपको हैजार्ड का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो उसका लुक कैसा क्या है मैं आप सभी को एक बार दिखा दे रहा हूँ। हैजार्ड का लुक कुछ इस तरीके का है, अभी मैंने सिर्फ पार्किंग लाइट को ऑन किया हुआ है। रियर से लुक कुछ इस तरीके का है, ये वाला आपका फुल एलईडी सेटअप है सो ये बहुत ही पसंद आएगा। एंड पिलियन का जो एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे एक बैकरेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो इस प्रॉपर जीलियो ब्रांड का बहुत सारा रिव्यू आने वाला है, स्टे कनेक्टेड सब्सक्राइब द चैनल ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, जस्ट लाइक कमेंट शेयर and subscribe the channel for more updates. Till then, respect what you ride, wear all the gears, meet in the next video. Ta-da! I get what I want, so they call me go-getter. Yeah, I know he does it good, but you know I do it better. So misunderstood, if she want it, then I let her. Everybody knows, if I want her, then I get her. She gave me that look, yeah, she knows she thinks I'm clever. I don't think I do it good, no, I think I do it great.